हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो अपन आज जो पिछला जो लेक्चर था डिजाइन ऑफ फुटिंग, जिसमें अपन ने फुटिंग किस तरह से डिजाइन करते हैं उसके बारे में बात हो गया था, क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग मोमेंट बात हो गया था, क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर आपका बात हो गया था, मिनिमम एज डिस्टेंस आपका कितनी होती है, उन सब के ऊपर अपनी बातें हो गई थी। अब बात करते हैं टेंशन रेनफोर्समेंट इन ए फुटिंग की, फुटिंग के अंदर टेंशन रेनफोर्समेंट अपन कितना प्रोवाइड करते हैं। वैसे तो देखा जाए तो अगर आप ये देखोगे कि टेंशन रेनफोर्समेंट की जब मैं बात करता हूँ कि भाई टेंशन रेनफोर्समेंट वन वे फुटिंग और टू वे फिटिंग, वन वे में कितना लेंगे और टू वे में अपन कितना लेकर चलने वाले। वन वे का मतलब ऐसी फुटिंग जिसमें मेन जो रेनफोर्समेंट है वो वन डायरेक्शन में लगाया गया हो, टू वे मतलब मेन रेनफोर्समेंट आपका दोनों डायरेक्शंस में आपका लगाया गया है। तो पहला अपन देखते हैं, मैंने ये पहले केस लिख दिए जिसमें से तीसरा केस जो लास्ट वाला केस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। पहला केस देख लो, पहला दूसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आपको समझना है। वो कहता है इन ए वन वे रेनफोर्समेंट फुटिंग, ये कह रहा है कि वन वे रेनफोर्समेंट फुटिंग है मतलब जिसमें मेन रेनफोर्समेंट एक डायरेक्शन में लगा हुआ है। इन ए या इन वन वे रेनफोर्समेंट फुटिंग द रेनफोर्समेंट एक्सटेंडिंग इन ईच डायरेक्शन शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस द फुल विड्थ ऑफ फुटिंग। ये कह रहा है कि जो वन वे फुटिंग है जिसमें मतलब मेन रेनफोर्समेंट एक डायरेक्शन में लगा होगा, दूसरी डायरेक्शन में उनको प्रॉपर अपनी पोजीशन पे रखने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बार आपके लगे होंगे। तो ये कह रहा है कि इन वन वे रेनफोर्समेंट फुटिंग द रेनफोर्समेंट एक्सटेंडिंग इन ईच डायरेक्शन शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। वो कह रहा है कि यूनिफॉर्मली समान रूप से मतलब सेम स्पेसिंग पर लगा हुआ है, चाहे मेन रेनफोर्समेंट को देख लो आप। वो कहता है मेन रेनफोर्समेंट देखूंगा, मान लो ये मेरी फुटिंग है तो मेन रेनफोर्समेंट भी सेम स्पेसिंग पर, मान लो अगर 150 mm सेंटर टू सेंटर लग रहा है तो 150 mm सेंटर टू सेंटर ही पूरे वो आपका दोनों डायरेक्शन में जो मेन भी और डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका सेम यूनिफॉर्मली एक इक्वल स्पेसिंग्स पर आपका लगा होगा। तो ये कह रहा है कि ये कहता है वापस देख ले, इन वन वे रेनफोर्समेंट फुटिंग द रेनफोर्समेंट एक्सटेंडिंग, ठीक है ना, इन वन वे रेनफोर्समेंट फुटिंग मतलब ऐसी फुटिंग जिसमें मेन रेनफोर्समेंट एक डायरेक्शन में है, ये एक द रेनफोर्समेंट एक्सटेंडिंग ईच डायरेक्शन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस द फुल विड्थ ऑफ फुटिंग, मतलब जो पूरी विड्थ होगी उसमें यूनिफॉर्मली आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, समान रूप से आपका लगा होगा। फिर मैं बोल रहा हूँ पहले केस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, केवल आपको समझने की बात थी कि वन वे रेनफोर्समेंट फुटिंग है तो फुल विड्थ ऑफ फुट जो फुटिंग में अब जो जो रेनफोर्समेंट लगा होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड आपका होगा या सेम स्पेसिंग पर आपका लगा होगा। तो मेरे को ऊपर जगह चाहिए इसलिए मैंने पहले केस को अभी यहाँ पर ख़त्म कर दिया है, मतलब मैं पहले केस को यहाँ से मिटा दिया क्योंकि मेरे को ऊपर स्पेस चाहिए थर्ड केस को समझाने के लिए। फिर इसने कहा सेकंड, कहा इसने के सेकंड इन टू वे रेनफोर्समेंट स्क्वायर फुटिंग, वो कह रहा है कि स्क्वायर फुटिंग है और कैसी है, टू वे रेनफोर्समेंट है। टू वे रेनफोर्समेंट का मतलब जो मेन रेनफोर्समेंट लगा है वो दोनों डायरेक्शन में लगा है, मतलब आपका दोनों बोथ डायरेक्शन में लगा होगा। तो कह रहा है कि इन टू वे रेनफोर्समेंट स्क्वायर फुटिंग, कैसी शेप है उसकी, स्क्वायर शेप की फुटिंग है, स्क्वायर फुटिंग द रेनफोर्समेंट एक्सटेंडिंग इन ईच डायरेक्शन शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस द फुल विड्थ ऑफ फुटिंग, मतलब जो रेनफोर्समेंट लगा होगा वो आपका दोनों डायरेक्शन में ही, अगर मैं कह रहा हूँ स्क्वायर फुटिंग है तो दोनों डायरेक्शन में ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड आपका होगा, मतलब सेम स्पेसिंग पर आपका लगा होगा। तो मैंने देख लिया कि ये सेम स्पेसिंग पर आपका लगा हुआ है, टू वे फुटिंग है और शेप कैसी है, स्क्वायर शेप है। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये केस भी आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बस अभी आपको ये समझ आया वन वे रेनफोर्समेंट फुटिंग
चाहे कोई सी भी शेप हो। वन वे में उसने ना रेक्टेंगल कहा ना स्क्वायर कहा, उसने तो कहा वन वे रीइन्फोर्समेंट फुटिंग है, जो मेन रीइन्फोर्समेंट लगा होगा या जो रीइन्फोर्समेंट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड आपका होता है। आगे उसने कहा था टू वे में कौन सी शेप, स्क्वायर शेप में। स्क्वायर शेप मतलब बिल्कुल लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर है, तो उसमें दोनों डायरेक्शन में जो मेन रीइन्फोर्समेंट है वो इक्वल स्पेसिंग पर या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आपका होगा या सेम जो है स्पेसिंग पर लगा होगा। तो आपने देखा यहां से भी आपका क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि बढ़ेगा आपका, तो फर्स्ट टू केसेज में शायद आपका क्वेश्चन नहीं बढ़ेगा। बस आपको पता होना चाहिए कि वन वे रीइन्फोर्समेंट फुटिंग और टू वे स्क्वायर, और टू वे क्या है स्क्वायर में जो सरिया लगा होता है वो सेम स्पेसिंग पर या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है पूरी फुटिंग में, या अक्रॉस द विड्थ देख लो, अक्रॉस द लेंथ देख लो। अब थर्ड केस इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझने का है। पहली लाइन से समझे आप, देखो ये क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है इन टू वे रीइन्फोर्स रेक्टेंगल फुटिंग, कौन सी शेप है आपकी, रेक्टेंगल शेप की फुटिंग है, मतलब लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होंगी, रेक्टेंगल फुटिंग। द रीइन्फोर्समेंट इन लॉन्ग डायरेक्शन, लॉन्ग मतलब जो बड़ी वाली डायरेक्शन होगी, लॉन्ग डायरेक्शन शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस द फुल विड्थ ऑफ द फुटिंग, मतलब जो लंबी वाली डायरेक्शन है उसमें तो पूरी विड्थ में, फुल विड्थ ऑफ द फुटिंग में जो रीइन्फोर्समेंट लगा होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मैं भी इसका फिगर आपको बना के बताऊंगा ऊपर। तो ये कह रहा है कि अगर टू वे रीइन्फोर्समेंट फुटिंग है, रेक्टेंगल शेप है, तो लॉन्ग डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आपका जो है सरिया लगा होगा, मतलब समान रूप से या समान स्पेसिंग पर समान मात्रा में लगा होगा। लेकिन आगे कहा कि फोर रीइन्फोर्समेंट इन शॉर्ट डायरेक्शन, अब आपका यहाँ से एक तरह से समझने वाली बात चालू होती है कि फॉर रीइन्फोर्समेंट इन शॉर्ट डायरेक्शन। अब ये कह रहा है कि शॉर्ट डायरेक्शन में देखो जो दूसरी डायमेंशन है, जो शॉर्ट डायमेंशन ए सेंट्रल बैंड, सेंट्रल बैंड में बताऊंगा अभी आपको कि सेंट्रल बीच में एक बैंड लेंगे अपन, बीच में एक पोर्शन लेंगे, ए सेंट्रल बैंड इक्वल टू द विड्थ ऑफ फुटिंग, और वो जो सेंट्रल बैंड होगा, जो बीच का जो बैंड अपन ने लिया है, इसकी जो चौड़ाई है या इसकी जो लेंथ है, इसका जो साइज होगा वो इक्वल टू द विड्थ ऑफ फुटिंग, विड्थ ऑफ फुटिंग के बराबर होगा, शैल बी मार्क अलोंग द लेंथ ऑफ फुटिंग। अब इस लैंग्वेज को समझना क्या कहा इसने, देखो इसने क्या कहा, इसने कहा कि टू रेक्टेंगल फुटिंग थी। सबसे पहले तो मैं ऊपर से भी थोड़ा सा मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पेस की जरूरत पड़ने वाली है। तो इसने सबसे पहले जो बात समझने की है वो तो ये समझने की, भैया जो शेप थी आपकी फुटिंग की वो मेरी रेक्टेंगल फुटिंग थी, मतलब रेक्टेंगल फुटिंग थी। ये लो भाई, इसने फर्स्ट लाइन में ये कहा कि इन टू वे रीइन्फोर्समेंट रेक्टेंगल फुटिंग, तो मैंने रेक्टेंगल फुटिंग बनाई। द रीइन्फोर्समेंट इन लॉन्ग डायरेक्शन, मतलब लंबी वाली जो डायरेक्शन थी, शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस द फुल विड्थ ऑफ फुटिंग। तो इसने कहा कि जो लॉन्ग डायरेक्शन में जो सरिया लगा था वो बिल्कुल बराबर यूनिफॉर्मली स्पेसिंग पर, बराबर स्पेसिंग पर ये सरिया इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है। इसने कहा कि यूनिफॉर्मली स्पेसिंग पर ये सरिया इस डायरेक्शन में इन्होंने लगा दिया है। तो अपन देख लिया कि ये इस तरह से सेम स्पेसिंग में आपका लॉन्ग डायरेक्शन में तो मैंने सरिया मार्क कर दिया है, या लॉन्ग डायरेक्शन में मेरा ये सरिया लग चुका है। ठीक है, ये तो लॉन्ग डायरेक्शन की हो गई थी। अब फॉर रीइन्फोर्समेंट इन शॉर्ट डायरेक्शन, अब ये कह रहा है शॉर्ट डायरेक्शन में मेरे को रीइन्फोर्समेंट देखना था। इसने कहा था ए सेंट्रल बैंड, मतलब एक बीच में बैंड बनाए, मतलब एक पोर्शन लेंगे, ए सेंट्रल बैंड, ए सेंट्रल क्या है, ए सेंट्रल बैंड इक्वल टू द विड्थ ऑफ फुटिंग। ये कह रहा है बीच का एक पोर्शन लेंगे, एक बैंड लेंगे, और इसकी जो जो है किसके बराबर होगा, इक्वल टू द विड्थ ऑफ फुटिंग। मतलब जैसे मैंने कहा कि ये मान लो आपका, मैं कहता हूं कि ये एक्स है आपका, ये इसकी जो चौड़ाई है ये एक्स है, तो इस एक्स के बराबर, इसके बराबर मैं एक इसमें बीच में एक पोर्शन जो है सेंट्रल बैंड लूँगा, ये मतलब ये जो है इतना पोर्शन लूँगा जितना इसका विड्थ था आपका, तो यहाँ मैंने एक एक्स पोर्शन ले लिया। मतलब ये जो सेंट्रल बैंड कहलाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है, ये अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ से और यहाँ तक का जो पोर्शन है, ये पूरा क्या कहला रहा है आपका, सेंट्रल बैंड ये कहला रहा है, सेंट्रल बैंड।
वो कह रहा है कि सेंट्रल बैंड इक्वल टू द विड्थ ऑफ फुटिंग, वो कह रहा है कि विड्थ ऑफ फुट सेल बी मार्क अलोंग द लेंथ ऑफ फुटिंग, की भाई लेंथ ऑफ फुटिंग के अलोंग मार्क कर दिया मैंने, ये लो भाई ये मैंने मार्क कर दिया सेंट्रल बैंड, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि द पोर्शन ऑफ रीइंफोर्समेंट डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू विद गिवन इक्वेशन, ये कह रहा है कि इस सेंट्रल बैंड में, इस बीच वाले पोर्शन में, ये जो सेंट्रल बैंड मैंने विड्थ ऑफ फुटिंग के बराबर मार्क की है, इसमें जो सरिया लगना है, जो सरिया आपका लगेगा वो इस फॉर्मूले के अनुसार आपका लग जाएगा। मतलब एक तरह से अगर आप देखें तो ये एक इक्वेशन बना दी इन्होंने कि भैया रीइंफोर्समेंट इन सेंट्रल बैंड विड्थ अपॉन टोटल रीइंफोर्समेंट इन शॉर्ट डायरेक्शन बराबर 2/β+1 आपका। तो ये IS 456 में एक इक्वेशन आपको दे दी कि भाई इसके अनुसार आप सरिया लगाओगे आपका। आप इक्वेशन देखें तो ये है इक्वेशन, ये तो बीटा की वैल्यू दे दी कि भाई बीटा क्या है इसमें, ये इक्वेशन आपकी ये हो गई थी, ये आपका इक्वेशन हो गया यहाँ बीटा। तो अपन ने देखा कि अपन से कहा कि सेंट्रल बैंड में कितना सरिया, तो ये एक इक्वेशन दे दिया IS 456 2000 में आपको ये इक्वेशन एक मार्क कर। तो अपन देख रहे हैं कि जो रेनफोर्समेंट इन सेंट्रल जो बैंड है, जो सेंट्रल बैंड में अपना जो रेनफोर्समेंट निकल के आया है, सेंट्रल बैंड बिड तो जो अभी अपन ने पहले मार्क कर ली थी, उसमें 2/β+1 इन रिइंफोर्समेंट इन शॉर्ट डायरेक्शन, जो टोटल रिइंफोर्समेंट था उसका बीटा मैंने देख लिया था, बीटा बराबर क्या था आपका लॉन्गर साइड ऑफ द कॉलम अपॉन शॉर्टर साइड ऑफ द कॉलम। अब इसके ऊपर कई बार आपसे न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकता है, न्यूमेरिकल्स आपसे क्या पूछ सकता है, मान लो वो आपसे क्वेश्चन पुटअप करता, वो कहता कि भाई एक फुटिंग है जिसका डायमेंशन उसने दे दिया, मान लो वो कहता कि एक 3x2 मीटर की फुटिंग है, 3x2 मीटर की, या मैं कहूँ कि 6x2 मीटर की एक फुटिंग है जिस पर जो कॉलम है, एक कॉलम आपका मान लो 400 mm डाया का सपोर्ट करती है, और टोटल जो शॉर्टर साइड में, जो शॉर्ट डायरेक्शन में जो टोटल रीइंफोर्समेंट है, टोटल रीइंफोर्समेंट लगा हुआ है आपका, वो कहता कि मान लो वो कहता है कि 800 mm² मेरा लग रहा है, तो कहता है सेंट्रल बैंड में बताओ आपका कि भाई सेंट्रल बैंड में कितना रीइंफोर्समेंट लगा होगा, तो कह रहा है सेंट्रल बैंड में बताइए कितना रीइंफोर्समेंट लगा होता है। वो क्या बनेगा क्वेश्चन कि एक फुटिंग है, रेक्टेंगल शेप की फुटिंग है 6x2 मीटर की, कौन सी शेप की फुटिंग है भाई, रेक्टेंगल शेप की एक फुटिंग है 6x2 मीटर की, और एक कॉलम को 400 mm डाया के कॉलम को सपोर्ट करती है, और उसमें शॉर्ट डायरेक्शन में 800 mm² रिइंफोर्समेंट लगा हुआ है, तो बताइए इसके सेंट्रल बैंड में जो सेंट्रल पोर्शन है उसमें कितना रिइंफोर्समेंट आपका लगेगा। तो अपन ने देख लिया फॉर्मूला, सबसे पहले तो बीटा देखूं, बीटा बराबर क्या है, शॉर्टर साइड ऑफ द कॉलम अपॉन लॉन्गर साइड ऑफ द कॉलम। अगर आप देख रहे हैं कि ये आपका सीधा सीधा 400, ये तो 400/400, शॉर्टर भी 400, लॉन्गर एक ही आ जाएगा, पर चलो मैं कॉलम का जो है कुछ ऐसे देख लेता हूँ, रेक्टेंगल ही कॉलम देख लेता हूँ। मैं कहता 200x300 mm साइज का कॉलम है, तो आप देखते बीटा बराबर क्या हो जाता, 300/200 कितना हो जाता 1.5। तो अपन देखते हैं कि रीइंफोर्समेंट इन सेंट्रल बैंड कितना आ रहा है, रीइंफोर्समेंट इन सेंट्रल बैंड आपका कितना आ रहा है, सेंट्रल बैंड में कितना रीइंफोर्समेंट है, 2/β 1.5+1 इनटू रीइंफोर्समेंट इन शॉर्ट डायरेक्शन, टोटल कितना लगा हुआ 800, तो 2/1 ये देखेंगे तो इसको सॉल्व करके 2/2.5 × 800 अपन देखा ये 1.25 आपका हो गया, मतलब 800 में 1.25 का भाग दे दीजिए आपका, जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा भाई कितना ये आपका लग रहा है, तो लगभग 600 से थोड़ा सा ज़्यादा आपका आ जाएगा। तो इस तरह से अपन जो है न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर सॉल्व कर सकते हैं, अपना जो न्यूमेरिकल्स है वो इसके ऊपर हो सकता है। तो अभी मैंने देखा जो आपने पढ़ा था, जो वर्किंग लिमिट स्टेट मेथड जो अपन ने सारा पढ़ा था, वो अब मेरा यहाँ पर समाप्त हो जाता है।
लिमिट स्टेट मेथड से आपने जितने भी डिजाइन किए, चाहे डिजाइन ऑफ बीम हो, चाहे डिजाइन ऑफ कॉलम हो, चाहे डिजाइन ऑफ स्लैब हो, ये सब आपके, अगर मैं देखता हूँ तो लिमिट स्टेट में मेन जो है डिजाइन ऑफ स्लैब, डिजाइन ऑफ बीम और मेनली डिजाइन ऑफ जो है कॉलम, इन तीनों चैप्टरों से आपके क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बीम के क्वेश्चन आपके आते हैं। अब आप लोगों ने वर्किंग स्ट्रेस वैसे तो पढ़ा नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके वर्किंग स्ट्रेस के भी पूछे जाते हैं, तो जो आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर अब आपके वर्किंग स्ट्रेस मेथड से कराने वाला हूँ। दो लेक्चर्स में आपका ये वर्किंग स्ट्रेस वाला मेथड लगभग खत्म हो जाता है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी, उसके बाद ही आरसीसी भी खत्म हो जाएगी। तो अपन देखा कि डिजाइन ऑफ आरसीसी अभी किससे पढ़ने वाले हैं, अपन थोड़ा सा वर्किंग स्ट्रेस मेथड के जो डाटा है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के जो डाटा है वो अपन यहाँ पर लेने वाले हैं। मतलब आपको मेंशन ये भी आई एस 456/2000 में कर रखे हैं कुछ, तो कि भाई 1978 में कौन से डाटा आपने लिए थे, तो ये अपन यहाँ पर देख लेंगे कौन कौन से डाटा आज आपके हैं। तो सबसे पहले जैसे कुछ बेसिक चीज़ें देखें अपन ने, जब कॉलम, अब मैं यहाँ आपको डिफ्रेंशिएट कराऊँगा आपका, कि जो डाटा आपने लिमिट में लिए थे वो वर्किंग में या 456/1978 में क्या थे, या वर्किंग स्ट्रेस मेथड में वो आपके क्या डाटा थे। देखो मैं पहले आपसे बात करता हूं, जैसे अपन कॉलम की बात करते थे, क्योंकि आप अभी भी कई बार वर्क की जब आप कुछ डाटा देखते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो यहां अपन देखते हैं कॉलम डिजाइन की मैं बात कर रहा हूँ। जब अपन ने पढ़ा था आईएएस 456/2000 के अनुसार पढ़ा था, तो कॉलम डिजाइन में कुछ डाटा डिफरेंशिएट थे, क्या थे आपके, देखो कॉलम डिजाइन में मैंने पढ़ा था 400 IS 456 और IS 1978 देख लेता हूँ, तो क्या डिफरेंस था आपका, IS 456 वाले देख लो, IS 456/2000 और जो पुराने कोड में लिए हुए थे IS 456 1978 में क्या लिए थे, क्योंकि आजकल के भी कई बार ये पूछ लेता है। तो पहले मैं देखता हूं कि अपन देखें कि पिच के बारे में बात करें, पिच, ये कह रहा पिच की बात करता हूं मैं, किसके बारे में बात कर रहा हूं भाई, पहले मैं ये कह रहा है कि पिच देखो, पिच में क्या डिफरेंशिएट है आपका, ठीक है ना। तो आप ये देखेंगे, ये कहता है कि 456 में पिच के लिए तीन डाटा थे, पी लेस देन इक्वल टू लीस्ट लैटरल डायमेंशन, लीस्ट लैटरल डायमेंशन, यहां भी मैं देखूंगा, हाँ पहले भी ये पूरे देख लेता हूं, और क्या था आपका सेकेंड, पी लेस देन इक्वल टू ये कहता था 16 φn और पी लेस देन इक्वल टू ये आपसे कहता था 300 mm। आंसर जो आपका आता था वो आता था विच एवर इज लेसर, कि मैं इनमें से जो भी आपका कम होगा, तो जो आंसर होता था वो आपका होता था विच एवर इज लेसर, विच एवर इज लेसर, जो भी इनमें से कम होगा। जब मैं 456/1978 में यही पढ़ता था तो मैंने ये देखा कि पिच के जो डाटा थे पी क्या थे, लीस्ट लैटरल डायमेंशन, पहली चीज सेम है, लीस्ट लैटरल डायमेंशन, सेकंड वो कहता है पी लेस देन इक्वल टू 48 φt और पी लेस देन इक्वल टू 300 mm। आंसर इसमें भी यही आएगा, विच एवर इज लेसर, मतलब कौन सी पिच थी भाई, मैक्सिमम पिच के बारे में बात कर रहा था, मैक्सिमम पिच। तो आपने देखा कि पहली चीज सेम है, तीसरा भी सेम है, 456/1978 में ये फाइव टी लिया था, 48 φt, फाई क्या है, फाइव टी क्या है, फाइव टी क्या है, डाया ऑफ टाई, जो रिंग है डाया ऑफ टाई, टाइज जो है रिंग लगाई है उसका डाया आपका लिया था।
456 2000 में हो सकता है ये डायाज जब लिए हो तो कुछ दिक्कत है आपकी आ रही हो, तो अपन ने देखा कि 456 क्योंकि ये तो पहले आया था कोड, ये बाद में आपका आया है, तो 456 2000 में देखते हैं ये 48 5T की जगह इसे 16 5L कर लिया। 5L क्या है आपका, मैंने देखा 5L क्या है, डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार, डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार। तो आप देखते हैं कि कई बार जब आप बुक पढ़ते थे, बुकों में आपने कई बार जब देखा है, आजकल कई पुरानी बुकों में अभी भी आपको 48 5T दिख जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। आप समझ मान लो हाँ दे रखा है कि मैक्सिमम पिच 4A, कॉलम डिजाइन शुड नॉट एक्सीड पहला आपका लीस्ट लेटरल डायमेंशन, सेकेंड 48 5T, तीसरा 300 mm, आंसर हो विच एवर इज लेसर, तो आप समझ जाओगे कि यार 48 5T मतलब ये पुराने कोड के अनुसार ही इसको ले रखा है। आपको बिल्कुल समझ जाना है कि 456/1978 में 48 5T लिया गया था, उसको रिप्लेस कर दिया गया 2000 में, उसकी जगह उन्होंने कितना ले लिया था, 16 5L आपका ले लिया था। तो ये डिफरेंस हो गया 456 और 1978 में पहला। सेकंड अपन बात करते हैं कि भाई कॉलम में देखें टाइज के लिए क्या डिफरेंस था आपका, तो ये मैं मिटा देता हूं, शायद मेरे को समझ आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट अपन देखें कि कॉलम डिजाइन में ही टाइज डाया, मिनिमम टाइज डाया के लिए क्या होगा आपका, कॉलम डिजाइन में अपन देखते हैं मिनिमम टाइज डाया, मिनिमम टाइज डाया जब अपन देखते हैं तो अपन देखा कि 456/1978 में देखूं सीरियल नंबर IS456 जो 2000 रिसेंट अपन ले रहे हैं उसमें क्या है, और अपन देखते हैं पुराने वाले कोड में आपका क्या था आपका। अगर मैं देखूं IS456/1978 में मेरे क्या डाटाज थे, तो ये कहता है नंबर वन, ये कहता है कि 5T, जो 5T क्या है, डाया ऑफ टाइप 5T, ये कहता है नॉट लेस देन 5L/4, नॉट लेस देन 6 mm, आंसर क्या है आपका, विच एवर एज ग्रेटर। 456/1978 में क्या था, ये कहता है 5T नॉट लेस देन इक्वल टू 5L/4, नॉट लेस देन इक्वल टू 5 mm, आंसर क्या था, विच एवर एज ग्रेटर। तो आप ये देख रहे हैं कि जो 456 जो है IS456/2000 है, इसमें मैं देख रहा हूँ कि 6 mm लिया गया है, और 456/1978 में ये आंसर मेरा कितना था भाई, आपका 5 mm आपका था, कितना mm था भाई, ये 5 mm आपका था। तो आपने देखा कि 456/1978 में 5 mm लिया गया है, और 2000 में इसको रिप्लेस करके 6 mm कर दिया गया, क्योंकि क्या हुआ कि जब 1953 में फर्स्ट कोड ये आया था, IS456 का जो फर्स्ट एडिशन था वो 1953 में आया, फिर 57 में आया, फिर 64 में आया, फिर 1978 में आया, फिर 2000 में आया, तो जैसे जैसे जब ये फर्स्ट, हमेशा कोई भी चीज़ जब रिवाइज होती है तो 1978 में जो भी डाटा लिए गए थे उनसे कहीं ना कहीं डिजाइन करने में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो उन डिजाइन को और रिप्लेस, उन डाटाज को रिप्लेस करके नए डाटाज यहाँ पर ये ले आए थे, तो 5 mm की जगह 6। तो अब अगर आपको कहीं 5 mm भी दिख जाए कि भाई मिनिमम टाई ऑफ डाई कॉलम शुड नॉट लेस देन ऑप्शन ए नॉट लेस देन तो 1/4 ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल डाया, ऑप्शन बी नॉट लेस देन टू 5 mm, ऑप्शन सी विच एवर इज ग्रेटर, ऑप्शन डी विच एवर इज लेसर। तो अगर आपको 5 mm दिख जाए तो आपको घबराना नहीं है कि यार सर मैंने तो 5 पढ़ा ही नहीं, मैंने तो 6 पढ़ा है, आप समझ जाओगे कि यार ये 456/1978 का डाटा इन्होंने ले रखा है, पुराना डाटा ये ले रखा है आपका, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल ये डिफ्रेंशिएट यहाँ पर होना चाहिए कि भाई क्या डिफरेंस आपका हो गया था। नेक्स्ट मैं आगे बात करता हूँ, ये कुछ कॉलम
एक कॉलम में बात करें भाई जो फॉर्म वर्क रिमूविंग था उसके बारे में मैं देख लूं कि फॉर्म वर्क रिमूविंग में क्या मेरा इन्होंने किया था। तो ये कहता है फॉर्म वर्क क्या होता है, जो सेटरिंग जो था फॉर्म वर्क रिमूविंग पीरियड, ये कहता है कि अपन देखा एक टेबल देखी सीरियल नंबर, आइटम डिस्क्रिप्शन IS 456 2000 और IS 456 1978। फर्स्ट ये कहता है, ये कह रहा है फॉर्म वर्क रिमूविंग साइड ऑफ कॉलम कॉमा बीम एंड वॉल, मतलब जो कॉलम की साइड है चारों साइड का खड़ा कॉलम है उसके चारों साइड, बीम की साइड और कोई दीवार है उसकी जो वॉल जो साइड है वो आप कितने दिन में हटा सकते हो। तो देखो 456 उन जो है IS 456 2000 में लिया हुआ 16 से 24 आवर्स, ये कह रहा 16 घंटे से 24 घंटे के बीच में हटा सकते हैं। वैसे साइट पे लोग प्रैक्टिकल देखें तो धूप में 3-4 घंटे में हटा देते हैं, वो टेक्निकली गलत है। 456 कहता है भाई कम से कम 16 से 24 आवर्स लीजिए, और 456 1978 में दे रखा था 24 से 48 आवर्स, 24 से 48 आवर्स मतलब 1 से 2 दिन, 1 से 2 डेज। अब अगर आपको नॉलेज नहीं होती तो आप कंफ्यूज होंगे, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर मान लो कहीं 24 से 48 डे दे रखा है तो आप समझ, आपको 16 से 24 नहीं दिख रहा है और 24 से 48 दे रखा है तो आप समझ जाओगे कि 1978 का डाटा मेरे को ले रखा है, तो मैं तुरंत इसको 24 से 48 आवर्स को सही मान लूंगा। कॉलम का जो फॉर्म वर्क रिमूविंग पीरियड है वो 24 से 48 आवर्स मेरे को 456 1978 में दे रखा था। तो आपको ये अगर नहीं दिखता है तो ये दिख जाएगा, अगर दोनों दिख जाए तो फिर आप कोड देखिए कि यार 456 1978 बोला है या 456 2000 बोला है। अगर 456 1978 बोला है तो ये आंसर होगा, 2000 बोला तो ये आंसर होगा। और अगर आपको दोनों भी दिख जाए और आपके पास जो है कोड नहीं दे रखा हो तो हमेशा फिर आप रिसेंट जो डाटा चल रहे हैं, जो रिसेंट जो कोड फॉलो कर रहे हैं वो आप लेके चलोगे 16 से 24 आवर्स। तो इस तरह से मैंने देख लिया कि जो फॉर्म वर्क रिमूविंग पीरियड है वो मैं कब हटा सकता हूँ या किस तरह से मेरी चीज़ें हो सकती हैं। तो अपन यहाँ देख लिया कि फॉर्म वर्क रिमूविंग पीरियड मेरा 456 2000 में कितना था और 456 1978 में कितना आपका था। आगे बात करता हूं मैं, ये कहता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर कॉन्क्रीट, मतलब अभी मैं ऐसे डाटा सारे आपको यहां ले रहा हूं जो 456 और 2000 में डिफ्रेंशिएट किए गए थे, दोनों में जो अलग थे आपके। तो अपन देखा कि भाई यंग मॉडुलस ऑफ कंक्रीट जो है वो 456 2000 में कितना है, 1978 में कितना लिया गया था आपने। तो अपन देखा यंग मॉडुलस IS 456 2000 में कितना लिया गया है, IS 456 1978 में कितना ये आपका था। आपने तो अपन देखा तो ये कह रहा है कि यंग मॉडुलस कितना लिया गया भाई,
ठीक है, आईएस 456/2000 मैंने पढ़ी रखा है कि यंग मॉडुलस ऑफ कॉन्क्रीट 5000 अंडर रूट एफसी के लिया जा गया है। कितना लिया गया आपका 5000 अंडर रूट एफसी के। 456/1978 में ये यंग मॉडुलस ऑफ कॉन्क्रीट लिया गया था 5700 अंडर रूट एफसी के। क्यों चेंज किया गया होगा? क्योंकि जब वो डिजाइन कर रहा होगा तो कुछ डाटा जो है सही नहीं आ रहे होंगे, इसलिए उसे 2000 में चेंज कर दिया गया। यहां पर एफसी के क्या है, वेयर एफसी के, वेयर एफसी के बराबर ग्रिड ऑफ कंक्रीट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर पूरा बात करें तो करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए कंक्रीट आफ्टर 28 डेज, 28 दिन बाद जो कंक्रीट की करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो 456 और जो है 2000, आईएस 456/2000 और आईएस 456/1978 में अपने देख लिया डिफरेंस कि 2000 में वो 5000 अंडर रूट एफसी के लेता है और 1978 में 5700 अंडर रूट एफसी के वो लेकर चलता है। तो ये कुछ चीजें हैं। अब नेक्स्ट बात करता हूं मैं नेक्स्ट ये बात करता है मिनिमम नॉमिनल कवर, मिनिमम नॉमिनल कवर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, डिफरेंट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर। ये कह रहा है डिफरेंट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर में मिनिमम नॉमिनल कवर्स आपके किस तरह से लिए जाते हैं या इनकी वैल्यूज आपकी कितनी लेंगे। तो आईएस 456 2000 में मेनली ये लिए गए अकॉर्डिंग टू एक्सपोजर कंडीशंस। मेनली जो जोर दिया गया वो दिया गया अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर एक्सपोजर कंडीशन। जो सबसे ज्यादा जोर दिया गया वो किसके ऊपर दिया गया, एटमॉस्फेयर एक्सपोजर कंडीशन। कितना कितना आपका था, उसने जो वैल्यूज ली, पांच कंडीशन पढ़ी है भैया अपन ने, एक्सपोजर कंडीशन, मिनिमम नॉमिनल कवर, मिनिमम नॉमिनल कवर, कौन कौन सी थी, फर्स्ट थी माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन। वो कह रहा माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन में 20 mm लेंगे, कितना mm लेंगे, 20 mm अपन लेंगे। सेकंड मॉडरेट में कहता है 30 mm लेंगे। थर्ड सीवियर में कहता है 45 mm लेंगे। फोर्थ वेरी सीवियर, वेरी सीवियर में कहता है 50 mm लेंगे। और फिफ्थ नंबर जो है ये कहता है एक्सट्रीम में कहता है 75 mm अपन यहाँ पर लेकर चलेंगे। तो अपन देखा कि जो एक्सपोजर कंडीशंस हैं, जो एक्सपोजर कंडीशन है उनके अनुसार अपन कवर्स लेकर चलते हैं। आईएस 456/1978 में मेनली जो अलग अलग उनके लिए अलग अलग वैल्यूज आपकी मेनली यहाँ पर दी गई। तो आईएस 456/1978 में देखते हैं, वो कहता है कि नंबर वन फोर स्लैब, वो कहता है भैया स्लैब के लिए बताइए मुझे। ये कहता है 15 mm एंड डाया ऑफ बार, 15 mm एंड डाया ऑफ बार, विच एवर इज ग्रेटर,
बेसिकली ये डाटा आपको जो है गलती से लिमिट स्टेट में भी मैंने बोल दिया था, तो आप ध्यान रखें कि 15 mm और क्या था आपका डाया ऑफ बार, ये 456/1978 में आपको प्रिपेयर करना है। मतलब अगर ये दे रखा है तो 456/1978 के अनुसार वो बोल रहा है, 456 अगर 2000 में देखते तो ये 20 mm और डाया ऑफ बार आपका होगा कम से कम, ठीक है ना। तो आपको वहाँ देख लेने हैं कि जो 15 mm है वो 456/1978 का आपका जो है बोल दिया गया था, तो उसको वहाँ करेक्ट वहाँ 20 और डाया ऑफ बार आपका बोल। सेकेंड ये बोलता है फॉर बीम, ये कह रहा बीम में अगर मैं देखता हूं, फॉर बीम अगर बीम में मैं देखता हूं, ये कहता है 25 mm एंड डाया ऑफ बार, 25 mm और डाया ऑफ बार, आंसर क्या हो जाएगा विच एवर इज ग्रेटर, दोनों में से जो भी वैल्यू क्या होगी ज्यादा होगी, जो भी वैल्यू बड़ी होगी। थर्ड कॉलम, कॉलम के लिए देखिए स्पेशल आपको लिमिट में भी बोल दिया गया था, लिमिट में भी सेम बात की गई थी कि भैया 40 mm और अगर कॉलम का साइज आपका 200 mm से कम है तो फिर आप 25 mm ले लेंगे। तो यहां भी कॉलम के लिए वही बात की गई है, 40 mm एंड डाया ऑफ बार, और आंसर क्या हो गया विच एवर इज लेसर। फिर आगे वही बोल सकते हैं कि यदि कॉलम का साइज 200 mm से कम हो तो आप जो है 40 की जगह 25 mm ले सकते हैं। सेम वही बात जो अपन ने वहाँ बोली थी वो सेम चीज़ यहाँ पर आपकी आ जाएगी। अगर लिखना चाहें कि भाई नॉट, अगर कॉलम का साइज 200 mm से कम हो तो ये नॉमिनल जो कवर है ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 25 mm आप ले सकते हो 40 mm की जगह। और फोर्थ नंबर जो है वो आपकी हो जाती है, फोर्थ नंबर आपका हो जाएगा फुटिंग। ये कहता है जब मैं फुटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, ये कह रहा है फुटिंग में दो तरह से आप कवर प्रिपेयर कर सकते हैं, दो तरह से क्या क्या हो सकता है फुटिंग में, थोड़ा सा और नीचे करके लिख रहा हूँ, फुटिंग में जो है कवर दो तरह से आप ले सकते हैं। फुटिंग क्या क्या कवर हो सकते हैं, ये कह रहा है 50 mm और ये कह रहा है 75 mm, ये कह रहा 50 mm भी ले सकते हैं और 75 mm भी ले सकते हैं। आप 50 कब ले सकते हैं, 75 कब ले सकते हैं, वो अपन यहां पर बातें कर लेते हैं। ये कहता है इफ फुटिंग नॉट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू सॉइल, इफ फुटिंग डायरेक्टली नॉट कॉन्टैक्ट टू सॉइल, और कहो और फुटिंग ऑन PCC, ये कह रहा है कि फुटिंग सॉइल के ऊपर नहीं हो, डायरेक्टली सॉइल के ऊपर नहीं बनाई गई हो, या ये कहो फुटिंग PCC के ऊपर बनाई गई हो, एक तरह से डायरेक्टली सॉइल मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं है। क्योंकि क्या होता है जो फुटिंग का जो सरिया है वो अगर डायरेक्टली सॉइल के कांटेक्ट में, थोड़ा सा सीलन आएगा वो सॉइल से सीधा आपका फुटिंग में आ जाएगा, तो आपने देखा कि वो जल्दी प्रभावित हो सकता है। इसलिए यदि फुटिंग को PCC के ऊपर बनाया, भाई जब PCC के ऊपर बनाया तो नीचे सीधा मॉइस्चर सीधा इसमें नहीं आएगा ना फुटिंग में, पहले तो PCC ले रजिस्टर करेगी। तो ये कह रहा है फुटिंग सॉइल के कांटेक्ट में नहीं हो या फुटिंग को PCC पर बनाया है तो 50 mm अपन कवर रख लेंगे, और 75 mm के लिए क्या हो जाएगा भाई देखो, इफ फुटिंग डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू सॉइल, इफ फुटिंग डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू सॉइल, ये कह रहा है कि यदि फुटिंग को डायरेक्टली सॉइल के ऊपर बनाया गया हो, फुटिंग सीधा सॉइल के ऊपर बनी है, एक तरह से कोई पीसीस नहीं, सीधा कॉन्टैक्ट में,
तो आप जो मिनिमम नॉमिनल कवर लेने वाले हैं वो 75 mm आपका आ जाएगा। तो आपने देखा कि 75 कब लेंगे और 50 कब लेंगे। तो कोई सा भी आपको अगर कुछ दे नहीं रखा है तो कोई सा भी डाटा आपका हो सकता है भाई, मिनिमम नॉमिनल कवर बताई फिटिंग में, या तो 50 दिख जाए या 75 दिख जाए, तो आप कोई सा भी डाटा यहाँ पर ले सकते हो। अगर वो क्लियर स्पेसिफाइड कर दे कि भैया फुटिंग नॉट कॉन्टैक्ट टू सॉइल या फुटिंग ऑन PCC देन मिनिमम नॉमिनल कवर, तो आपका आंसर होगा 50 mm। इफ फुटिंग जो है नॉट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू सॉइल देन मिनिमम नॉमिनल कवर, तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू सॉइल पर जो मिनिमम नॉमिनल कवर है वो 75 mm आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो अपन ने यहाँ देख लिया क्या ये 456 और दो साथ के साथ जो है 456 1978 में कुछ आपको और चीज़ें यहाँ नॉट डाल के मैं लिखवाने वाला हूँ, क्योंकि 456 2000 तो यही अपनी बात ख़त्म कर देता है कि भाई 456 2000 में अपन एक्सपोजर कंडीशन के अनुसार कवर लेकर चलते हैं। अब 456 जो 1978 पुराना कोड था इसके नीचे अपन नीचे लिखते हैं, नीचे लिखता है ये नीचे नॉट डाल के उसके नीचे लिखना चाह रहा हूं। ये कहता है कि यदि कंक्रीट को सी वाटर से बनाया जा रहा हो, समुद्र के पानी से बनाया जा रहा हो, तो ये जो कंडीशन है जो आपको कवर्स इन्होंने रिकमेंडेशन किए इनमें 40 mm और एडिशनल कवर, मतलब और एक्स्ट्रा कवर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो नॉट डाल के इसने बोला कि यदि यदि कंक्रीट को यदि कंक्रीट को सी वाटर के साथ बनाया जा रहा हो सी वाटर के साथ बनाया जा रहा हो तो उपरोक्त दिए गए कवर्स में चालीस mm एडिशनल कवर जोड़ा जाता है, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है भैया, अगर फुटिंग को आप अगर सॉरी अगर कंक्रीट को आप समुद्र के पानी के साथ बना रहे हैं तो आपके जो ये कवर्स दिए गए इनमें और 40 mm एडिशनल आपका ये कवर जोड़ा जाता है। मतलब अगर आपको 15 है तो 15 की जगह कम से कम 55 लेंगे, 25 है तो आप 65 mm आपका लेकर चलेंगे। तो इस तरह से अपन देखा कि किस तरह से ये बातें मिनिमम नॉमिनल कवर्स अपन इसमें लेते। तो बात समझ गए आप, यदि कंक्रीट सी वाटर के साथ बनाया जा रहा हो या कहो कि कांटेक्ट में हो बनाया जा रहा हो, या मैं कहूँ कि कांटेक्ट विद सी वाटर हो, कांटेक्ट विद सी वाटर हो, तो जो कवर है जो आपको स्पेसिफाइड कवर थे आपके यहाँ पर इनमें 40 mm और एडिशनल आपका कवर जुड़ जाता है। सेकंड पॉइंट ये आपसे कहता है यहीं पे कि यदि कंक्रीट पर सी वाटर स्प्रे हो रहा हो, मतलब एक तरह से कांटेक्ट में ही कभी कभी आपका जो स्प्रे हो रहा है कंक्रीट पर यदि सी वाटर स्प्रे हो रहा हो तो उस कंडीशन में कवर 50 mm एडिशनल, जो ये कवर थे जैसे यहाँ 40 ले आए 50 mm एडिशनल प्रोवाइड किया जाता है। तो कई बार पूछ लेता है यदि कंक्रीट विद कॉन्टैक्ट टू सी वाटर हो या सी वाटर से बनाई जा रही हो तो एडिशनल कवर कितना लेते हैं, 40 mm, कितना लेते हैं 40 mm, और यदि सी वाटर स्प्रे हो रहा हो आपका तो कंक्रीट जो कवर है वो 50 mm अपन एडिशनल लेकर चलते हैं। आगे ये कहता है और नीचे थर्ड पॉइंट अगर बोलें, ये कहता है यदि ग्रेड ऑफ कंक्रीट 25 mm से अबो हो, एक तरह से हाई ग्रेड कंक्रीट हो आपका, मतलब ये कहता है यदि ग्रेड ऑफ कंक्रीट 25 mm से ज़्यादा हो, मतलब हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो, तो ये फिर कवर हाफ रह जाएंगे, मतलब 40 की जगह 20 कर सकते हैं, 50 की जगह 25 कर सकते हैं। यदि हाई ग्रेड कंक्रीट हो, यदि
हाई ग्रेड, यदि हाई ग्रेड कंक्रीट हो तो उस कंडीशन में, हाई ग्रेड कंक्रीट मतलब जो है ग्रेड जो है कितना, ग्रेड ग्रेटर देन 25, 25 से ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में उपरोक्त कवर कौन से, ये वाले उपरोक्त कवर, ये वाले उपरोक्त कवर हाफ रह जाते हैं, मतलब 40 की जगह 20 mm से ही काम चला सकते हो अपन, कितना 20 mm, और 50 की जगह 25 mm से ही अपन काम चला सकते हैं। इस तरह से मैंने कवर्स का डिफरेंस देख लिया 456 और 1978 में। नेक्स्ट बात करते हैं एज या स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट या इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विद द एज, मतलब 456 1978 के ही सारे डाटा पढ़ा रहा हूँ भाई मैं यहाँ पर आपको। ये कहता है, क्या कह रहा है आपसे, इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विद रेस्पेक्ट टू एज, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विथ रेस्पेक्ट टू एज, ये कह रहा है कि एज के साथ साथ जो है कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या होने वाली है, क्या क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे एज ऑफ कंक्रीट बढ़ती है आपकी, क्योंकि कंक्रीट में जो सीमेंट होता है वो उसके में जो डाइकैल्शियम सिलिकेट कंटेंट होता है वो धीरे 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 ड्यूरिंग द कंप्लीट लाइफ उसको स्ट्रेंथ देता रहता है। तो कितनी स्ट्रेंथ आपकी होगी या किस तरह से स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी वो यहाँ पर आपसे बातें कर लेता है आपसे। ये कहता है ये कहता है टाइम या एज इंक्रीज स्ट्रेंथ ये कहता है 28 days, 3 months, 6 months और 1 year। ये कह रहा है कि 28 दिन के लिए जो फैक्टर है एक तरह से इंक्रीजिंग फैक्टर जो है इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ फैक्टर एक लगाएगा आपका, मतलब क्योंकि जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होते हैं M20, M25, M30, M40 वो 28 दिन की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, या ये कहो कि 28 दिन की स्ट्रेंथ को वो 100% मानता है। तो अपन देखा जो M25 की है तो इसका मतलब वहाँ M25 वो 28 दिन में मिलती है। अब 3 मंथ बाद देखते हैं इसको तो ये 1.10 हो जाएगा आपका, मतलब ये माना जाता है कि जो 28 दिन की स्ट्रेंथ है उसका 10% एक्स्ट्रा हो जाएगा। कितने दिन बाद आपका, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद देखेंगे तो ये कहता है 1.15, मतलब 6 महीने बाद जो स्ट्रेंथ है वो लगभग 15% बढ़ जाती है, और 1 year बाद में देखता हूँ तो वो आपसे कहता है 1.20, मतलब 20% आपकी स्ट्रेंथ यहाँ पर बढ़ जाती है। तो इस तरह से मैंने देख लिया कि जो मेरी इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ है वो किस तरह से आपके आ जाएंगे, 28 दिन का जो 1 होगा, 3 मंथ के लिए 1.10 मतलब 10% एक्स्ट्रा होगा, 6 मंथ के लिए 1.15 15% एक्स्ट्रा होगा, और 1 year के लिए 1.2 मतलब 20% एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ आपकी हो जाएंगी। नीचे वो नोट डाल के कहता है आपसे, नीचे कहता है आपसे नोट डाल के ये कहता है कि हाई एल्यूमिनियम स्ट्रेंथ, जो हाई एल्यूमिनियम स्ट्रेंथ है इसके 28 दिन के बाद कोई स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती, मतलब वो अपनी सारी स्ट्रेंथ जो है 28 डेज में ही गेन कर लेते थे। कहता है कि जो एल्यूमिनियम जो है यदि एल्यूमिनियम मतलब जो हाई एल्यूमिनियम सीमेंट है, यदि हाई एल्यूमिना सीमेंट कंक्रीट में उपयोग लाई गई हो तो उस कंडीशन में उस कंक्रीट की स्ट्रेंथ
28 डेज बाद नहीं बढ़ती है। मतलब ये कह रहा है कि अगर आप हाई एल्यूमिना सीमेंट आपने कंक्रीट में किया है तो 28 दिन के बाद की स्ट्रेंथ फुल एंड फाइनल स्ट्रेंथ होगी। आपसे कहे 3 महीने बाद स्ट्रेंथ क्या होगी, वही होगी जो 28, मॉडिफिकेशन मतलब एक ही लगेगा, 6 महीने बाद एक ही लगेगा, 1 ईयर बाद एक ही लगने वाला है। तो मतलब ओपीसी वगैरह में तो अपन देख लिया कि इस तरह से बढ़नी है, यदि हाई एल्यूमिन लगा रहा तो 28 दिन के फुल एंड फाइनल स्ट्रेंथ हो जाएगी, उसके बाद उसके लाइफ में कोई जो है बढ़ाव उसकी स्ट्रेंथ में नहीं होगा। तो मैंने यहाँ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट देख लिया विद रेस्पेक्ट टू एज की, भाई रेस्पेक्ट टू एज आपका क्या है। अब 456/1978 में कुछ आपसे कहा गया है कि भाई जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कितनी लेंगे कॉन्क्रीट की, तो ये कहता है कि डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, ये कह रहा है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट कि भाई कॉन्क्रीट की डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी लेकर चलते हैं और किसके अकॉर्डिंग, IS 456/1978 जो पुराना कोड था आपका, जो अभी रिवाइज हो गया है 2000 से, वो उसमें पुराने, तो इसमें जो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है ये आपका M10 से M50 तक इन्होंने लिया ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ न्यूटन पर mm². ये कहता है कि M10, M15, M20, M25, M30, M35, M40, M45 और M50 10 से लेकर 50 तक आपकी जो है ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट्स आपको दे रखी है। देख रहा है न्यूटन पर एम स्क्वायर में जो स्ट्रेंथ है 1.2 होगी, 2 होगी, 2.8 होगी, 3.2 होगी, 3.6 होगी, 4 होगी, 4.4 होगी, 4.8 होगी और 5.2 आपका हो जाएगा, सब न्यूटन पर mm² में। तो ये कहता है कि जो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के अनुसार डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट है वो इस तरह से अपन ले सकते हैं, M10 के लिए 1.2, M15 के लिए 2, M20 के लिए 2.8, 25 के लिए 3.2, 30 के लिए 3.6, 35 के लिए 4, 40 के लिए 4.4, 45 के लिए 4.8 और 50 के लिए 5.2। तो मोटा मोटा याद रखो, देखो 10 से 50 लिख लिया मैंने, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, बस इतना सा ध्यान रखिए कि पहले दो बार तो आपने 0.88 बढ़ाया, 1.2 से चालू किया, 1.2, 2, 2.8, फिर आगे 0.4444 बढ़ते चले जाइए, तो 3.2, 3.6, 4, 4.4, 4.8 और 5.2। तो इस तरह से पूरी टेबल अपन ध्यान रख सकते हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा कोई जो है जो स्पेशल कोई चीज़ एक्स्ट्रा मेरे को याद नहीं रखनी पड़ती, मतलब आप सीधा इनको याद रख सकते थे। आपसे कहता 30 के लिए बताइए, 10, 15, 20, 25, 30, पाँचवें नंबर पर भाई 1.2, 2, 2.8, 2.8 के बाद 3.2, 3.6, तो आप कहते हैं कि 30 के लिए 3.6 हो जाएगा, बिल्कुल सही। वो कहते 40 के लिए बताइए, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, सातवें नंबर पे 1.2, 2, 2.8, 2, 2.3.2, 3.6, 4, 4.4, 40 के लिए 4.4 हो गई। तो आपने देख लिया कि ऑटोमेटिकली आप उनको निकाल लोगे कितनी वो आपकी वैल्यू होने वाली। इसी तरह से नेक्स्ट ये कहता है आपसे, नेक्स्ट कहता है डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू वही डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस ऑफ कॉन्क्रीट, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस ऑफ कॉन्क्रीट किसके अनुसार भाई, वही IS 456/1978।
कितना लेंगे या कितनी होगी, यह आपसे कहता है कि जो डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस है सेम वही आप देखोगे ग्रेड वही 10 से 10, M15, M20, M25, M30, M35, M40, M45 और M50 क्या क्या होंगी। ये कहता है 10 के लिए डैश, डैश मतलब नॉट स्पेसिफाइड, मतलब कुछ नहीं रिकमेंड किया आपने, कोड ने कुछ रिकमेंड नहीं किया M10 के लिए। M15 के लिए 0.6 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, 20 के लिए 0.8, 25 के लिए 0.9, 30 के लिए 1, 35 के लिए 1.1, 40 के लिए 1.2, 45 के लिए 1.3 और 50 के लिए 1.4 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो अपन ने देखा कि जो डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस है, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू जो है 456/1978 के अनुसार इस तरह से मैं देख सकता था कि भाई 10 से लेकर 50 तक क्या क्या वैल्यूज आपकी होने वाली है। तो मैंने डायरेक्ट इंस्टॉलेशन ऑफ कंक्रीट देख लिया क्या होंगी, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट मैंने देख लिया कि इनकी वैल्यूज आपकी क्या होनी है। आगे अपन बात करते हैं, नेक्स्ट बात करता हूँ भाई जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो किस तरह से अपन लेकर चल रहे हैं, क्योंकि ये सब वो छोटे मोटे डाटा हैं जो 456/1978 से आज भी आपसे वो पूछ लेता था, ये बिल्कुल आपको थोड़े से याद होने चाहिए। नेक्स्ट बात करता है ये कि डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताएं मेरे को, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो आपकी कितनी होंगी। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कितनी होंगी या किस तरह से अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए आपने वही देखा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट देखे हैं आपने, सीरियल नंबर, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किस किस में, अंडर बेंडिंग और डायरेक्ट कंप्रेशन। सिग्मा सीबीसी और सिग्मा सीसी, क्या कहना चाह रहा है डायरेक्ट कंप्रेशन जो आपका है कि आप उसको अंडर बेंडिंग तोड़ रहे हैं, मतलब एक आपका कि आपने ये लिया, ये सपोर्ट्स के ऊपर लगाया और ऐसे देख रहे हैं उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, एक सीधा इस तरह से ये बॉडी है इसको कंप्रेस कर रहे हैं। तो ये वाला केस हो गया अंडर बेंडिंग की, भाई अंडर बेंडिंग आपको इस तरह से को कर रहे हैं, और ये वाला केस हो गया डायरेक्ट कंप्रेशन की, भाई कितनी कितनी स्ट्रेंथ आपकी इसमें होनी है। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट ले ली इन्होंने M10, M15, M20, M25, M30, M35, M40, M45 और M50। अंडरबेंडिंग में देखता हूँ, ये कहता है मोटा मोटा आपको अगर याद रखना है तो 3 का भाग दो, जैसे 10 के लिए होती है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में होगी, ये न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में होगी 3 होगी, 15 के लिए 5 होगी, 20 के लिए 7 होगी, फिर आपका 8.5 होगी, 10 होगी,
10 होगी, 11.5 होगी, 13 होगी, 14.5 होगी और 16 आपकी होगी। सब कोड में लिखे हुए हैं भाई, बिल्कुल कोड के डाटा है। आप 456 2000 है उसमें लास्ट में देख लेना, 456 1978 के कुछ डाटा आज आपको दिए गए हैं जो बैक के थे 2000 में, मेंशन कर रहे हैं क्या क्या लिए थे आपने। डायरेक्ट कंप्रेशन में वो कहता है 2.5 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 8 होगी, 9 होगी, 10 होगी, 11 होगी और ये 12 आपकी हो जाएगी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। ये तो अपन देख लिया कि कोई भी जो कंक्रीट है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अंडरबेंडिंग, मतलब अंडरबेंडिंग अगर चेक करना चाह रहे हैं तो कितनी होगी, डायरेक्ट कंप्रेशन में कितना हो। मोटा मोटा कैसे ध्यान रख सकते हैं, 3 से भाग देकर लगभग जो ये स्ट्रेंथ है इनमें 3 से भाग देकर ये वैल्यू आ जाती है। और डायरेक्ट कंप्रेशन में आप देखो लगभग 4 का भाग दे, जैसे 10 में देखो 10 में 3 का 3.33 आया, 15 में 3 का 5 आया, 20 में 3 का 2 6.66 आता है, तो 3.5 या ऐसे ध्यान रख लो 10 से लेकर 50 तक दो बार तो जो है 3.5 7 3.5 7, 10 के लिए 3, 15 के लिए 5, 20 के लिए 7, उसके आगे डेढ़ 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 बढ़ेगा, दो बार तो दो दो बढ़ा 3.5 7, फिर डेढ़ डेढ़, 8.5 10 11 13 14 16। तो आपने देखा यहाँ तक तो दो दो इंक्रीज हुआ और उसके आगे कितना डेढ़ 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 इंक्रीज हुआ, तो एक तरह से यहां तो देख रहे हैं दो इंक्रीज हुआ है और इनमें देख रहे हैं कितना इंक्रीज हुआ है यहां से फिर यहां तक 1.5 इंक्रीज आपका होकर। मतलब एक याद रखने के लिए कैसे आप वैल्यू ध्यान, इनको देखिए 10 के लिए 4 का भाग दिया 2.5, पहला 2.5 उसके बाद कंटिन्यू जाएगा बस 7 गायब है, 10 के लिए 2.5 फिर 4 से लेके 12 तक जाएगा लेकिन क्या गायब है 7 गायब है, तो 2.5 के बाद 4 5 6 8 9 10 11 12, तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज आपको याद हो सकते हैं कि यार ये वैल्यूज आपकी कितनी होंगी। 10 के लिए देखा 2.5, 15 के लिए देखोगे 4, 20 के लिए देखोगे, आपसे कहता 30 के लिए बताओ 10 15 20 25 30, पांचवें नंबर पे 2.5 4 5 6 7, 7 नहीं होगी, क्या होगा 8, 30 के लिए कह दोगे वैल्यू क्या होगी 8 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो जाएगी। तो इस तरह से अपन इस लेक्चर में कुछ चीज़ें देख ली जो 456 2000 में दे रखे हैं। अब लास्ट एक लेक्चर बचेगा, इसके बाद आरसीसी आपकी कल ये ख़त्म हो जाएगी, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।